सीसीटीवी की तस्वीरें पाकिस्तान परस्त आतंकियों की कायरता का एक और उदाहरण है। कैसे श्रीनगर के नौगाम इलाके में दो कायर आतंकियों ने सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर पीछे से पीठ पर वार किया। मंगलवार शाम करीब 8 बजे परवेज अहमद मगरिब की नमाज के लिए घर से चंद कदम दूर मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे से दो कायर आतंकियों ने पीठ पर कई फायर किए और फरार हो गए। परवेज अहमद डार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परवेज अहमद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए और पीछे रह गया एक रोता बिलखता परिवार। इस हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस आतंकी हमले की निंदा की। विडंबना देखिए, महबूबा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट कर औपचारिकता निभाई, जबकि इस हमले से कुछ घंटों पहले ही वो परवेज अहमद के गुनाहगार देश पाकिस्तान का नाम जपने में लगी थी। हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे, पाकिस्तान के साथ भी करे। क्या यह महज इत्तेफाक है कि 22 जून को 4 साल पहले ठीक इसी दिन श्रीनगर में सीआईडी के डीएसपी अयूब पंडित की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जब वो जामा मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। 4 साल बाद फिर से वैसा ही वाकया दोहराया गया। आखिर ये कैसा जिहाद है जो अपने ही कश्मीरी भाइयों का खून बहाने में लगा है। बहरहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की पहचान कर उनको मौत के घाट उतारने का अभियान तेज कर दिया है। उम्मीद है जल्द से जल्द हथियारों को ढेर किया जाएगा ताकि शोक में डूबे परिवार को थोड़ी सांत्वना मिले। सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के सर्वोच्च बलिदान को शत शत नमन। जय हिंद।